सभी छात्राओं को नमस्कार। हम आज पढ़ रहे थे भारत की जनसंख्या या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार हमने भारतीय जनसंख्या या जनगणना के बारे में आपको इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं। जब भारत की लॉर्ड मेयो ने 1872 में शुरुआत की थी और 1881 में यानी परमानेंट कर दी गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, उस समय जो जनसंख्या के आंकड़े आते थे और यानी जनसंख्या के बारे में जब पूछा गया था वो जाति आधारित था, यानी जाति को मुख्य संकेंद्रण रखा गया था कि कौन कौन सी जाति कौन कौन से क्षेत्रों में कितने प्रकार की रहती है, कैसी जनजाति है, SC ST OBC जनरल सबके बारे में उस समय जनगणना की गई थी। लेकिन 1931 में जो जाति आधारित था मामला वो समाप्त कर दिया गया और ये जाति आधारित जो समाप्त था वो 2001 तक चला, यानी जाति के संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। लेकिन 2011 में जो आंकड़े सामने आए वो जाति आधारित थे, मतलब 2011 में वापस से जाति आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि हम पहली बार बात करें, पहली जनगणना जब हुई थी उस समय मात्र और मात्र आपके 14 क्वेश्चनों के, यानी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कितने थे, 14 थे, जो सर्वप्रथम से लेकर और आपके 2001 तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 14 क्वेश्चन पूछे जाते थे आपसे कि आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, इस गांव में कब से रह रहे हो, आपका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में हुआ था या घर में हुआ था, आपने कितनी शिक्षा ली है, आपके घर में कितने भाई बहन है, इस प्रकार के 14 क्वेश्चन थे। लेकिन जब 2011 के जो आंकड़े आए, 2011 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे 29 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और उसके अनुसार ही आपकी जनगणना हुई थी। 29 प्रकार के क्वेश्चन थे, जिसमें 29 प्रकार के क्वेश्चनों में लेटेस्ट क्वेश्चन ये भी थे कि आपके घर में शौचालय है या नहीं है, आपके घर में TV है या नहीं है, आप मोबाइल का प्रयोग करते हो या नहीं करते हो, नेट चलता है या नहीं चलता है, यानी भौतिक विलासिता से संबंधित चीज़ें भी वहाँ पर पूछी गई थी कि आपके घर में कितने कमरे हैं, घर है पक्का है या कच्चा है, कब से लिया है, कब्जा करके रख रखा है या बाई सबाई चक जमीन पर है या आपने रजिस्ट्री करवा रखी है। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन थे जो आपके 2011 के आंकड़े में आपसे पूछे गए थे, जो 29 प्रकार के हुआ करते थे। अब बाद में हम बातें करते हैं कि जो हमने ये बात आपको बताई थी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य थे उनमें हमने आपको बताया था कि सर्वप्रथम कि हमारे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश था, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र था, तीसरे नंबर पर आपका बिहार था, चौथे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल था और पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश था। तो उनमें जो जनसंख्या थी कितनी थी, 19 करोड़ थी, एक में आपकी 11 करोड़ थी, 10 करोड़ थी, 9 करोड़ थी, 8 करोड़ थी, एक क्रम से आपको मैंने बताया था। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में जितनी जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है, पश्चिम बंगाल में रहता है, कितना प्रतिशत रहता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और इसमें जो जनसंख्या रहती है वो 16% जनसंख्या अकेले UP में रहती है पूरे भारत की, पूरे भारत की 16% जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में है। साथ में दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है और यहाँ पर लगभग 9% जनसंख्या रहती है, बिहार में आपकी 9% जनसंख्या रहती है, पश्चिम बंगाल में आपकी 8% जनसंख्या रहती है और आंध्र प्रदेश में आपकी 7% जनसंख्या रहती है। यदि हम देखें 18 और 15 33%, ये हुआ 16, ये है आपका लगभग 49%, लगभग 50% जनसंख्या अकेले 5 राज्यों में निवास करती है पूरे भारत की। यदि हम पूरे भारत के राज्यों के बारे में देखें तो 29 राज्य स्वतंत्र रूप से है, जबकि 8 हो गए हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। तो इस प्रकार से
आप देखते हैं कि 35 से 36 राज्यों की श्रेणी में मात्र 5 राज्य 50% जनसंख्या लिए हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यदि यहाँ की 50% जनसंख्या की बातें करें तो 130 करोड़ में से 65 करोड़ जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 5 किसमें है, 5 राज्यों में है। यदि मैं आपको बातें करूँ चाइना, चीन की यदि बात करते हैं 137 करोड़ लोग रहते हैं, भारत में आपके 121 करोड़ जनसंख्या है, और तीसरे नंबर पर आपका आता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी अमेरिका। अमेरिका की बातें करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो उसमें 45 करोड़ जनसंख्या है, जबकि आप देख रहे हो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में 65 करोड़ जनसंख्या है। तो हम देख सकते हैं यदि 5 ही राज्यों को देखा जाए तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों को ही ले लो आप, तो ही दूसरे नंबर पर हमारे 5 राज्य ही आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये थी आपकी सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य जिसमें यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश आते हैं। इसके साथ ही कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं जिसमें हमने यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, यह आंकड़ा आता है मिजोरम, पांडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश। ये 3 राज्यों की हम बातें करें तो इसमें मिजोरम में 0.9% है, पांडुचेरी में 0.10% और अरुणाचल में 0.11% जनसंख्या है। साथ ही यदि आगे भी हम बातें कर सकते हैं तो गोवा में यहाँ पर 0.12% जनसंख्या निवास कर रही है। साथ ही यदि तो इस प्रकार से ये बहुत कम जनसंख्या, 0.09%, 0.10%, 0.11%, 0.12%, ये छोटे छोटे राज्य हैं जिनमें यानी कम जनसंख्या निवास कर रही है। साथ ही हम बातें कर सकते हैं कि इनमें कम जनसंख्या का कारण भी है कि यहाँ पर कम जनसंख्या क्यों रहती है। पहली बात तो ये है कि ये छोटे छोटे ही राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इनको देखा जाए तो ये बहुत ही छोटे राज्य है, तो इनमें जनसंख्या अपने आप ही कम रहनी है। साथ ही कुछ ये हमने और राज्य लिए हैं जो कि लगभग आपके केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप में भी कम जनसंख्या है, दमनद्वीप में है, नागर दादर हवेली में है, अंडमान में है और सिक्किम में है, इनमें भी आपकी बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। तो ये थे आंकड़े आपके कुछ राज्यों के अनुसार कि कौन से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, कौन से राज्य में कम जनसंख्या है। तो यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपके स्वतंत्र राज्यों की बारे में बातें करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी है, और सबसे कम यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका मिजोरम है। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बातें करें तो सबसे कम जनसंख्या आपकी लक्षद्वीप में रहेगी, और यदि अधिक की बातें करें तो आपकी दिल्ली में रहेगी। तो दिल्ली में आपकी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार आएगा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। अब बातें कर रहे हैं हम दशकीय वृद्धि दर की, कि भारत में दशकीय वृद्धि दर किस प्रकार से कौन से राज्य में कहाँ कहाँ कैसे बढ़ी है और उनका क्या प्रतिशत रहा है। तो आपको दशकीय वृद्धि दर समझ में आया कि एक दशक में कुल जनसंख्या में बढ़ने वाली जो जनसंख्या होगी वो दशकीय वृद्धि दर होगी। दशकीय वृद्धि दर इसलिए कहा गया है, इसे वार्षिक वृद्धि दर भी काफ़ी बार लिख दिया जाता है कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, वार्षिक वृद्धि दर। तो वार्षिक वृद्धि दर किस प्रकार से आएगी, दशकीय वृद्धि दर हमने निकाली थी 17.7% भारत की है, 17.7% दशकीय वृद्धि दर आती है भारत की। यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वार्षिक वृद्धि दर क्या है भारत की, तो आप लिखोगे 17.7 में आप कितने का भाग दोगे, 10 का भाग दोगे, तो ये आएगा 1.77 यानी 1.77% वार्षिक वृद्धि दर हुई है भारत की, ठीक है। तो ये दशकीय वृद्धि दर 10 वर्षों की आती है, वार्षिक वृद्धि दर 1 वर्ष की आती है। तो इस प्रकार से दशकीय वृद्धि दर कुल जनसंख्या में बढ़ने वाले लोगों की संख्या को हम दशकीय वृद्धि दर के अंतर्गत मानते हैं। पहले की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या और 2011 की जनसंख्या के बीच की जो आंकड़े है, ये जैसे 2001 में आपके 100 लोग हैं और इसमें 2011 में ये 110 है, तो यहाँ पर 10% की वृद्धि दर आ जाएगी और वार्षिक वृद्धि दर 1% आपकी आ जाएगी। तो पहले की जनसंख्या के आंकड़े और नवीनतम जनसंख्या आंकड़े दोनों के बीच में लोगों के
बढ़ने वाले लोगों की संख्या को ही दशकीय वृद्धि दर की संख्या कहते हैं। अब दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या में हमारे कुछ आंकड़े यहाँ पर लिए गए हमने, तो सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कौन कौन से राज्यों में रही है, तो उनका वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले नंबर पर यहाँ पर आता है मेघालय। मेघालय की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो रही है 27.82%। तो आप देख रहे हैं 17.7% पूरे भारत की है, तो इससे ऊपर जो होगी वो अधिक मानी जाएगी, इसके समकक्ष जो रहेगी वो सामान्य रहेगी, और इससे काफ़ी कम रहेगी वो कम में मानी जाएगी। तो ये 27.82% है, 17.7 से अधिक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दशकीय वृद्धि दर वाला जो राज्य रहेगा वो आपका रहेगा मेघालय, जिसकी वृद्धि दर रही है 27.82%। दूसरे नंबर पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसकी रही है 26.0%। तीसरे नंबर पर आता है आपका बिहार, 25.4%। चौथे नंबर पर आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, 23.6%। और पांचवे नंबर पर आता है आपका मिजोरम, 23.5% यहाँ की दशकीय वृद्धि दर रही है। तो दशकीय वृद्धि दर में सीधे सीधे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में भी सम्मिलित करने में पूछ लिया जाता है, तो सर्वाधिक रहेगी आपकी मेघालय की। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक, या आपसे क्वेश्चन ऑब्लिक करके पूछ लिया जाता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की रही है, तो यहाँ पर आएगा आपका केंद्र में दादर नागर हवेली, 55.9% की दशकीय वृद्धि दर रही है। लगभग डेढ़ गुना से भी अधिक लोग यहाँ पर बढ़े हैं 10 वर्ष के अंदर। तो समझ में आया आपका, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य रहे हैं, जबकि हम कम वाले की बातें करें तो इसमें आएगा आपका नागालैंड। पहले नंबर पर हम नागालैंड को ले रहे हैं, इसकी जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो -0.6%, मतलब जहाँ पर 100 लोग थे वहाँ पर 99 ही रह गए, 100 से 101 भी नहीं हुए, मतलब 1% के समथिंग यहाँ पर लोग घट गए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, IAS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन नवीनतम था, किसी को पता नहीं था, लेकिन IAS में आने के बाद ये क्वेश्चन अप हुआ और ये पता लगा कि नागालैंड में सर्वाधिक, क्योंकि इससे पहले जो आंकड़े आते थे वो केरल के माने जाते थे कि केरल में सर्वाधिक सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है, लेकिन नागालैंड में ये माइनस में आई थी, इसलिए नागालैंड है। अब नागालैंड में भी एक जगह का नाम है लॉन्ग लैंग, ये एक जगह है, वहाँ का तहसील है या जिला है, और नागालैंड का लॉन्ग लैंग, और इसकी जो दशकीय वृद्धि दर रही थी वो आपकी रही थी -58.3%, मतलब -58.3% लोग यहाँ पर घट गए थे, 100 लोग थे तो मात्र 40 ही रहे। अब कारण क्या है, प्रवास हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, कि शादी ब्याह की वजह से लड़कियां बहुत ज़्यादा चली गई थी, या रोज़गार की वजह से लोग इधर उधर हो गए थे, या आपके जलवायु की वजह से इधर उधर हो गए थे, कुछ न कुछ कारण रहे थे उसकी वजह से। साथ ही यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत अच्छा रहा था, और उसकी वजह से यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। तो लॉन्ग लैंग एक ऐसी जगह है, ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है, लॉन्ग लैंग किसके लिए जाना जाता है, तो ये दशकीय वृद्धि दर के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर सबसे विश्व में सर्वाधिक कम रही थी, -58.3% लोग यहाँ पर घटे थे। तो नागालैंड यहाँ पर प्रथम स्थान रखता है, दूसरे नंबर पर आपका केरल रखता है 4.9% के साथ, तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु वो 4.9% के साथ ही था, कुछ पॉइंट में इधर उधर था, चौथे नंबर पर आपका गोवा है 8.2% के साथ, और आंध्र प्रदेश आपका 11.0% के साथ आपके दशकीय वृद्धि दर में ये नंबर आते हैं। जबकि हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखते हैं तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी आपकी दादर नागर हवेली में रही थी, दूसरे नंबर पर आपकी दमन द्वीप की रही थी 53.8%, और तीसरे नंबर पर आपकी पांडुचेरी की रही थी 28.1% लोग यहाँ पर बढ़े थे।
तो केंद्र शासित प्रदेशों में लोग बाग बढ़ रहे हैं, उसका कारण काफ़ी है क्योंकि सरकार की नीतियाँ इतनी अच्छी आए कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो उद्योग भी लगाए जाते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, साथ ही वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सरकारी नीतियाँ बहुत ही लुभावनी और अच्छी होती है, इसलिए लोग वहाँ जाकर रोज़गार करना पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो ये कुछ आंकड़े थे जो आपके दशकीय वृद्धि दर के थे। मेघालय 27.82, स्वतंत्र राज्यों की बात करेंगे तो पहले नंबर पर मेघालय आएगा, और यदि आपके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछा जाए तो दादर नागर हवेली का नाम यहाँ पर आएगा, और दादर नागर हवेली यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य रहेगा। ठीक है, काफ़ी बार बड़े क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही थी और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है वो कौन सा राज्य हो सकता है, तो वो रहेगा आपका बिहार, क्योंकि और ये सब जो राज्य है ये सब छोटे छोटे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा इनमें बिहार है, तो बिहार में भी 25.4% लोग यहाँ पर बड़े हैं, इसीलिए गरीबी और बेरोजगारी का स्तर यहाँ पर भी सर्वाधिक रहता है। देखा जाए तो यहाँ पर आपके जो साक्षरता का प्रतिशत है वो भी बिहार का बहुत कम है, जो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ये आपके समझ में आया होगा और आप इनको अच्छे से सेव करके देखें तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है दुनिया का जिसमें जनसंख्या का आंकड़े नहीं आते हैं, और ऐसा कोई भी रिटर्न पेपर भी नहीं है जिसमें जनसंख्या के बारे में पूछा नहीं जाता है। तो आप इन वीडियो को ज़रूर लाइक करें और देखें, अच्छे से देखें, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कॉल करें। जय हिंद।